Hello students, myself Suman. Welcome to my channel with Suman. Dear students, in this video we will read Class Eight English Supplementary Book at Sahapanch of NCERT Pattern. We will read Chapter Seven, The Open Window. The Open Window, whose author is Saki. Now in this chapter, the main character is Frampton Nuttall, who has bad nerves. वट्स मीनिंग ऑफ बैड नव डिप्रेशन जो मानसिक तनाव है किसे था फ्रैमटन नडल को और वो उसे बाहर निकलने के लिए क्या करता है कहाँ जाता है वो सब इसमें बताया गया है लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रैमटे नडल हैज बैड नर्व्स से मानसिक तनाव था ही राइज टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड्स वो अपने क्यों और इनकी इलाज के लिए कहाँ आता है कंट्रीन कि देहात में गाँव में आता है एंड कॉल्स ऑन आ फैमिली फ्रेंड और अपने ओपन विंडो द लेडी जिसको मिलने जाता है वो लेडी ऊपरी मंजिल पर आपसे मतलब ऊपर की जो फ्लोर होती है वहाँ पर बिजी है अपने काम पर हर यंग नीस उसकी जो युवा भतीजी है वो उस परिवार की के साथ हुई एक मिस ऐप मतलब एक दुखद घटना की बात करती है विद फोकस ऑन द ओपन विंडो जो खुली खिड़की से संबंधित है इसका सेंटर पॉइंट है वो है ओपन विंडो वो खुली हुई खिड़की है आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल वेरी सेल्फ पुजेस्ट यंग लेडी ऑफ फिफ्टीन पंद्रह साल की एक युवक लड़की ने युवक महिला ने एक आत्मविश्वास से क्या कहा मिस्टर नटल मेरी आँटी मेरी चाची जो है आंट जो हैं वो जल्दी ही नीचे आ जाएंगी इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी उस समय तक आप मुझसे बात कर सकते हो और मेरे साथ बैठ सकते हो फैमटन नटल एंड डेवर टू से समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैट द नीस ऑफ द मोमेंट विदाउट अन ड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वॉज टू कम फैंटम नटल एंड उसने क्या कोशिश की Endowed, मतलब उसने कोशिश की ट्राइड उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिससे वो उस क्षण में उस समय में उस जो लेडी है उस लेडी की भतीजी को खुश रख सके फैल्ट कर सके उनकी उसमत कर सके विदाउट और ड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट और ऐसा करे, जिससे कि जो आंटी आने वाली थी वो नाराज ना हो जाए प्राइवेटली निजी रूप से ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर दिस ऑफ सक्सेशन

रोग जो है जो उसे मानसिक डिजीज है उससे ठीक होने में उसे क्या था हेल्प मिलेगी ये उसे डाउट था विच ही वॉज सुपोज टू बी एंड गोइंग और जिसके इनकी से जो क्योरनेस है जो ट्रीटमेंट है इनकी वो इस प्रकार से इस प्रकार से कर रहा था जैसे कि अलग लोगों से मिलने के बाद उसके मन की जो डिप्रेशन है वो शांत हो जाए लेकिन उसको इस बात में डाउट था कि उसका जो क्योर है वो नहीं होगा आई नो हाउ इट विल बी

एंड योर विल बी वॉस एवर फ्रॉम मॉपिंग और आपकी जो हालत है और आपकी जो मानसिक तनाव है और ज़्यादा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और पहले से भी उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी वर्स हो जाएगी आई शल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल दीपलो देर जितने लोगों को मैं वहाँ जानती हूँ मैं उन सब के नाम एक परिचय पत्र आपको दूँगी और उनको देना उनको बताना कि मुझे मैंने आपको भेजा है तो आपको पहचान जाएंगे Some of them, as far as I can remember, were quite nice. The message that remember, all of them, as far were quite nice. Frampton wondered whether Mrs. Seppleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. Frampton wondered, he was surprised, whether Mrs. Seppleton, the lady to whom he was presenting one of the अपना परिचय पत्र देने जा रहा था देने जा रहा था उसको केम nice वो बहुत अच्छे लोगों की जो श्रेणी है जो बहुत अच्छे स्टेटस के है उन लोगों की श्रेणी में आती है उन लोगों की क्लास में आती है क्योंकि उनका अच्छा स्टेटस है डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल्ड उस भतीजे ने जो वहाँ बैठी हुई थी उसने क्या पूछा कि क्या आप यहाँ बहुत से लोगों को जानते हो हार्ड जट साइलेंट कॉम्बिनियन जब उसने ये अनुमान लगा लिया कि उन्हें वहाँ पर बैठे हुए चुपचाप बैठे हुए बहुत समय बीत गया है हार्डली ली सो मुश्किल से ही किसी व्यक्ति को सेड फ्रमटन उसने कहा मा सिस्टर वास्टिंग मेरी बहन यहाँ रहती थी सम फोर ईयर्स एगो लगभग चार साल पहले अनशी गेव मेरे लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम पीपल से आर और उससे यहाँ के कुछ लोगों के नाम परिचय पत्र मिल दिए हैं ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन टोन ऑफ डिस्टिंग regret। उसने अपनी जो अंतिम बात की थी नीचे उसने बात कही इंट्रोडक्शन लेटर्स की वो उसने थोड़े से रेग्रेट कि खेत से तकलीफ से गुस्से से उसने बात की थी यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट तब आप लोग मेरी चाची के बारे में यानी कि मेरी आंट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो आप

रूम में जहाँ वो बैठे थे अनडिफाइनेबल इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता था जिसका कोई इसको डिफाइन नहीं कर सकता था ऐसे वहाँ कोई भी पुरुषों के मैस्कुलिन यानी कि कोई भी मेल के साइंस से वहाँ रहने के जो कोई भी साइन की कोई भी चीज़ें या कोई भी उनके रहने जैसे रहते हैं हमारा कोई सामान पड़ा था इस रूम में हमारा कुछ फर्ज पड़ा है या एनीथिंग कुछ भी यहाँ पर पता लगे कि यहाँ व्यक्ति को रहता है अब वहाँ कोई मेल रहता है ऐसा कोई साइन वहाँ पर उस रूम में उसे नज़र नहीं आ रहा था हर ग्रेट ट्रेजडी हैपन जस्ट फ्यू एगो सिंस चाइल्ड उस बच्ची ने क्या कहा कि उसके साथ जो ग्रेट ट्रेजडी हुई थी जो बहुत बड़ी एक दुखद घटना हुई थी वो तीन साल पहले हुई थी दैट वुड बी सेंस विस्टेंस चाय और ये आपके बहन के जाने के बाद की होगी हर ट्रेजडी दुखद घटना आस्ट फिम्ट उसने पूछा सम इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट

ठीक है, बट लेकिन क्या उस ग्रेजी से उस घटना से इस संबंध है उस से बाहर निकलकर आज के दिन तीन साल पहले हर यंग ब्रदर्स उनके पति और दुआ दो भाई जो थे उनके जो युवा भागे थे, भाई थे वो फोर डे शूटिंग

कहाँ चले गए एक सुरक्षित दिखने वाली ट्रेश दिखने वाला दिखने वाला लेकिन वास्तव में दिखना नहीं एक खतरनाक दलदल -दल में बाग मीन्स बट स्पी ग्राउंड होता है जो जहाँ दलदल होती है वो अपने शिकार पर जाते समय रास्ते में ग्रासन जब पार कर रहे थे तो वहाँ पर दलदल -दल थी और वो उस दलदल -दल में तीनों जो थे वो फंस गए थे उसमें रुक गए थे ठीक है एंड

ऐसी होती थी जैसे वहाँ नीचे दलदल है नीचे गहराई है और वहाँ बहुत ज्यादा खतरा था देअ बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड उनकी जो शरीर थे उनकी जो मृत शरीर थे वो कभी नहीं मिले दैट वॉज द डेटफुल पार्ट ऑफ इट ये इस कहानी का बहुत ज़्यादा दुखद हिस्सा है था द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ प्रोसेस नोट यहाँ उस बच्चे की आवाज़ में आत्मविश्वास खो चुकी थी वो आइट बिकेम फर्चरिंगली ह्यूमन ठीक है और वो अब भी जैसे आम व्यक्ति है वो दुख के समय थोड़े घबरा जाते हैं ऐसे ही वो लड़की भी घबरा गई थी ऑलवेज थिंक ऑलवेट दे विल कम बैक बेचारी आंटी को अभी भी यही सोचती हैं कि वो किसी दिन वापस आएंगे दे एंड लिटिल ब्राउन स्पैन वो वे तीनों और उनके साथ एक छोटा सा ब्राउन कलर का स्पेनल नस्त का

उसके हस्बैंड के हाथ में क्या था उसके बाजू पर वाइट वाटरप्रूफ कोट सफ़ेद वाटरप्रूफ जो कोट था उसकी बाजू पर था उन लोगों की मैं कंधे पर डाला हुआ था एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर उसका छोटा भाई था रोनी सिंगिंग बर्टी वाई डू यू ठीक है और वो उसे चिराने के लिए जिसका नाम क्या था बर्टी इनकी मिसेस जो कहता था वाई डू यू बाउंड इतना क्यों चलते हो

अलग से एक डर की फीलिंग आती है कि वो इस खिड़की से वापस आएंगे और अंदर आ जाएंगे स्टूडेंट्स so, आज का लेसन यहीं तक उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे समय में आया होगा आई होप ऑल ऑफ यू यूर वेरी वेल यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू